भारत दुनिया का आठवां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है। और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। आप सही समय पर सही जगह पर है। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है। व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। भारत के डिजाइनर्स उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भलीभांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमी कंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। साथियों, भारत की एस्पिरेशनल और टेक ओरिएंटेड सोसाइटी बहुत ही यूनिक है। भारत के लिए चिप का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी भर नहीं है, हमारे लिए ये करोड़ों एस्पिरेशंस को पूरा करने का माध्यम है। आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। इसी साल भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस चेयर चुन गया है। हम क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव के भी बड़े पार्टनर हैं और हाल ही में हमने जापान और सिंगापुर समेत कई देशों के साथ एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। इस सेक्टर में अमेरिका के साथ भी भारत अपना सहयोग लगातार बढ़ा रहा है। साथियों, आप सभी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को भी जानते हैं। कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं कि भारत इस पर फोकस क्यों कर रहा है। ऐसे लोगों को हमारे डिजिटल इंडिया मिशन को जरूर स्टडी करना चाहिए। डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य देश को एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और लीकेज फ्री गवर्नेंस देना था और आज हम इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट को अनुभव कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए हमें एफोर्डेबल मोबाइल हैंडसेट्स और डेटा की जरूरत थी। इसके लिए हमने जरूरी रिफॉर्म्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन के बड़े इंपोर्टर्स में से एक थे, आज हम दुनिया के नंबर 2 प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर हैं।
अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है, आज भारत 5G हैंडसेट्स का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। 2 साल पहले ही हमने 5G रोल आउट शुरू किया था। आज देखिए हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है और अब तो हमारा लक्ष्य और बड़ा है। इस दशक के अंत तक हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे भारत के युवाओं के लिए करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख जॉब क्रिएट होगी। भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी इसका बहुत अधिक फायदा होगा। हमारा लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का 100% काम भारत में ही हो, यानी भारत सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा और उनके फिनिश गुड्स भी बनाएगा।